नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पंच टैप। इसके दो वीडियो बनेंगे, पहला वीडियो रहेगा पंच टैप पर और दूसरा रहेगा कि कैसे हम बाइनरी कोडिंग करते हैं। तो जैसे ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम बाइनरी कोडिंग का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो बाइनरी कोडिंग का टॉपिक है वो ये मान के चलिए कि अगर 100 में से 80% लोगों को कोडिंग करनी नहीं आती है। जैसे आपने देखा ना कि अभी तक आप पढ़ते रहे कि कोई भी, जैसे पढ़ा होगा आपने कि कंप्यूटर एक ऐसी भाषा है, मतलब कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। उसको पढ़ने के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल आना चाहिए, जिसमें आता है बाइनरी कोडिंग। तो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ जीरो और वन के फॉर्म की भाषा समझता है, या तो उसको जीरो को स्कैन करेगा और वन को स्कैन करेगा। तो जो जीरो वन की भाषा है वो बाइनरी कोडिंग होती है। तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी कोडिंग को, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तब इस वीडियो के बाद जो हम वीडियो डालेंगे वो टोटली रहेगी बाइनरी कोडिंग, ठीक है। तो पहले बात करेंगे, इसके पहले जो आता है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक पंच टैप तैयार करते हैं। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग तो आप समझ गए कि न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग करना स्पेशल पर्पज के लिए। उसी एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पंच टैप बनाते हैं। पंच टैप के बारे में जानेंगे कि पंच टैप होता क्या है, कितने प्रकार के पंच टैप हैं और इसका सीएनसी डीएनसी या डिजाइन फील्ड में इसका क्या रोल है। तो क्या है कि पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पंच टैप को बनाते हैं। पंच टैप को बनाने के लिए पार्ट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। तो आप समझ गए, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हम पंच टैप को बनाते हैं। और यह पंच टैप, अब क्या है पंच टैप, क्या है एक क्या कहते हैं प्रोग्राम को स्टोरेज करने का एक सिस्टम है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भाई सॉफ्टवेयर आने लगे हैं प्रेजेंट के समय में, तो हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, चाहे वो आपका एंटीवायरस का हो, चाहे किसी प्रोग्रामिंग का हो या किसी पार्ट का हो, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसा सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डाल दोगे वैसे ही वो कार्य को करना स्टार्ट कर देता है। यदि हमने उसमें कैड का सॉफ्टवेयर डाल दिया, किसमें, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, डिजाइन का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मान लीजिए हमने उसमें कोई सॉफ्टवेयर दूसरा डाल दिया, फोटोशॉप का डाल दिया सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर क्या करेगा, फोटोशॉप जैसा काम करने लगेगा। तो जैसा आप उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं वैसे ही वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये सॉफ्टवेयर तो अभी प्रेजेंट की बात है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर नहीं था तो उसके पहले सीएनसी या डीएनसी मशीन पर कार्य करने के लिए हमें एक अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ता था। जैसे अगर हमें किसी वर्कपीस में छेद करना है, ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग का अलग से सॉफ्टवेयर बनाते थे। और पता चला यदि हमें वर्कपीस के ऊपर नर्लिंग ऑपरेशन करना है तो नर्लिंग का सॉफ्टवेयर अलग रहेगा, क्योंकि उसकी पंच टैप की जो स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज सिस्टम है काफ़ी कम है। इसलिए क्या करते थे कि अलग अलग पार्टों को तोड़ तोड़ के हम लोग उस पर कार्य को करते थे। लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पता चला सॉफ्टवेयर 1 GB है, 2 है, 3 है या 4 GB होता है, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर की पहले की जो प्रोसेस थी या पहले की जो तकनीक थी, वो तकनीक थी आपकी पंच टैप के द्वारा मशीन को ऑपरेट करना है। मान लीजिए हमारी एक मशीन है, ये हो गया एक कंप्यूटर सिस्टम, ये हो गई डिस्प्ले, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर कीबोर्ड सिस्टम, जहां पर हम क्या करेंगे कमांड को फीड करेंगे, जैसे आपने देखा होगा सीएनसी मशीन वगैरह। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर हम बताते हैं एक लेथ मशीन। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, एक लेथ मशीन को डिजाइन किया या बना लिया, ये आ गई आपकी लेथ मशीन, इसको ये कर दिया। यहां पे आपने लगा दिया क्या, एक पहिया, यहां पर है कटिंग टूल और यहां पर होता है टेलीस्टॉप, ले लिया तो ये आ गई, और यहां पर होगी एक लीड स्क्रू,
ठीक है। अब क्या है कि इस लेथ मशीन को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये वाला, ये मशीन, कौन सी? मशीन कंट्रोल यूनिट, इसे कहते हैं MCU, MCU, मशीन कंट्रोल यूनिट। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे वो वैसे ही इस लेथ मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा। ये हो गया आपका लेथ मशीन। लेकिन इंस्ट्रक्शन, अब ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको कंप्यूटर की भाषा ही समझ में आती है, ठीक है। तो फिर यहां पर एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हमने एक प्रोग्रामिंग बनाई, अब प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो किसमें स्टोरेज करेंगे? उसको करेंगे पंच टैप में स्टोरेज, पंच टैप पे हमने स्टोरेज किया और इस प्रोग्रामिंग को हमने इसके अंदर इनपुट कर दिया, ठीक है। अब पंच टैप होता क्या है? पंच टैप होता है एक कागज का, एक ये कह सकते इस टाइप की एक आकृति रहेगी। पंच टैप, पंच मीन्स होता है छेद, एक टैप है जिस पे हम छेद बनाते हैं। ये आ गया आपका छेद हो गया, ये विदाउट छेद हो गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये ऐसे पंच बनाते हैं, ठीक है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से एक पंच टैप तैयार किया जाता है, और यह पंच टैप NC मशीन पर रीड किया जाता है। यह आ गया आपकी NC मशीन, मशीन कंट्रोल यूनिट। इस पंच टैप को यह रीड करेगा, NC मशीन पर टैप रीडर में फीड कर दिया जाता है। आपने क्या किया, यहां पर पंच टैप में इसको फीड कर दिया। टैप रीडर एक बार में केवल एक इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करता है। मतलब क्या है कि ये छोटी स्टोरेज सिस्टम है, तो हर एक ऑपरेशंस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, अब हर एक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग हमें पंच टैप बनाने होते हैं, ठीक है। अगर हमें इस लेथ मशीन से क्या करना है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ड्रिलिंग का यहां पर पंच टैप फिट कर देंगे। ड्रिलिंग का पंच टैप फिट करेंगे, ये इसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के बाद ये, और यदि हमें इसमें बोरिंग करनी है तो हमें दूसरा पंच टैप यहां पर फिट करना पड़ेगा। दूसरा पंच टैप फिट किया किसका? बोरिंग का। तो फिर यहां पर बोरिंग कार्य परफॉर्म होने लगेगा। तो पंच टैप रीडर एक बार में केवल एक निर्देश को ही पढ़ता है। जब मशीन किसी निर्देश का पालन कर रही होती है तो कंट्रोल यूनिट, ये वाली कंट्रोल यूनिट बफर, डाटा बफर में कार्य करना प्रारंभ कर दी। मतलब क्या है कि एक कार्य तो हो ही रहा है लेकिन ये दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिसे कहते हैं डाटा बफर। डाटा बफर में अगला निर्देश पढ़ रहा होता है, और अंतिम निर्देश के बाद टैप रीडर रिवाइंड होकर अगले कार्यखंड पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एक मनुष्य है और कोई काम कर रहा है, तब तक पता चला कि किसी दूसरे आदमी ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो क्या है, यहाँ पे तो कार्य कर ही रहा है लेकिन वो दूसरे कार्य के लिए पहले से एक्टिव हो गया। यदि यहाँ पर कोई सामान वो भर रहा है और आपने कहा इसको उठा के ले जाना है, तो उठाने के लिए पहले कार्य कर रहा है भरना, लेकिन साथ में क्या करेगा, अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन मिल गया उसके लिए कि उसको उठा के ले जाना है किसी भी पार्ट को, तो अब दूसरे के लिए भी अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखेगा। तो यही वो सिस्टम है। इसमें क्या होता है, पंच टैप क्या करता है कि पंच टैप में निर्देश होते हैं स्पेशल या विशेष कार्य के लिए। अब पंच टैप यदि हमने बना दिया ड्रिलिंग के लिए, तो इस पंच टैप की जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, वो मशीन कंट्रोल यूनिट पढ़ता है, और पढ़ने के बाद ये इसको गाइड करता है, दिशा निर्देश देता है। एक तो कार्य इसका ये हो गया, और दूसरा क्या होता है, ये ही मशीन कंट्रोल यूनिट जब एक कार्य चल रहा होता है तो दूसरे कार्य के लिए अपना डाटा बफर करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि पहले से प्रेफर रहेगा, पहले से वो तैयार है, तो जैसे ही आपने दूसरी कमांड दी तो वो दूसरी कमांड के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। और यदि वो पहले से प्रिपेयर नहीं है तो क्या होगा, फिर उसको कुछ टाइम लग जाएगा प्रिपेयरिंग के लिए। जैसे कहते हैं डाटा बफर, पहले जो फोन वगैरह आते थे तो आपने देखा होगा कि
कुछ वीडियो पहले बफिंग होती थी। बफिंग होने का मतलब होता था कि पहले वीडियो को वो लोड करता था, जब वीडियो लोड हो जाती थी तब वीडियो मोबाइल पर चलती थी, ऐसे ही तो था। और अभी भी प्रेजेंट के समय में ऐसा हो जाता कभी कभार कि यदि आप कोई वीडियो क्लिक करेंगे तो कुछ वो समय लेता है, उस समय में क्या करेगा वो उस डाटा को स्टोरेज करने के बाद वो चलाएगा। मतलब पहले अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले वो अपने अंदर स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करने के बाद ही वो उस वीडियो को चला पाएगा, जिसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी। यदि किसी भी फोन की इंटरनल मेमोरी ज़्यादा है तो आप कोई भी वीडियो आराम से चला सकते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन है, उस फोन की मेमोरी है 50 MB की, मतलब इंटरनल मेमोरी आ गई आपकी 50 MB आ गई। अब आप उस पर कोई अच्छी HD वीडियो चलाना चाहते हैं, अब HD वीडियो है 50 MB से ज़्यादा की, तो फिर वो उस पर चलेगी नहीं, क्योंकि वो पहले उसको स्टोरेज करता है, स्टोरेज करने के बाद ही तो चलाएगा। पता चला कि उसकी HD वीडियो है वो 1 GB का स्पेस ले रही है, तो फिर यहाँ पर ये कार्य करना अनेबल बता देता है, असक्षम बता देगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, बफिंग करेगा, कुछ वीडियो आप देखो फिर डिलीट मारो, फिर कैश मेमोरी के रूप में स्टोरेज होने लगता है। तो ये यही सिस्टम है कि यहाँ पर जैसा आपने कोई स्पेशल या विशेष कार्य के लिए पंच टैप बनाया, मशीन कंट्रोल यूनिट ने उसका पालन किया, और वही पालन करने के बाद जो दिशा निर्देश हुए वो उसने लिथ मशीन को दे दिए। लेकिन साथ ही साथ मशीन कंट्रोल यूनिट इसके पहले क्या होना है, भाई एक कार्य कर ले उसके पहले या बाद में जो भी कार्य होना है, तो वो दूसरे कार्य के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये आपका पंच टैप कहलाता है। NC मशीन में निर्देश सेटों को फीड करने का सबसे प्रचलित माध्यम था पंच टैप, ठीक है। पंच टैप क्या था, निर्देशों को स्टोरेज करना और फीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस पंच टैप में सांकेतिक भाषा होती थी, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पंच टैप कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक पहला आता है कागज का पंच टैप, नंबर एक कागज पंच टैप, कागज का पंच टैप आता था। फिर सेकंड आ गया था प्लास्टिक कोटेड पेपर, इसको कहेंगे प्लास्टिक पेपर पंच टैप, तो प्लास्टिक का आने लगा। फिर तीसरा हो गया यहां पर पंच टैप माइलर, माइलर प्लास्टिक कोटेड, माइलर प्लास्टिक कोटेड पंच टैप, ठीक है। तो ये पंच टैप थे, जिसमें से जो सबसे सस्ता वाला पंच टैप था ये था आपका कागज का पंच टैप। आपने क्या किया, कागज पे पंच टैप बनाया, उसका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद उसको, ये जल्दी ख़राब हो जाता था पंच टैप, तो क्या होता था कि एक या दो ऑपरेशंस के बाद उस पंच टैप को बदल दिया जाता था, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है जो काफ़ी कम है। तो आप समझ गए होंगे पंच टैप के बारे में। अब बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि पंच टैप में जो कोडिंग की जाती है, जैसे कि आपने पहले कहा कि पंच टैप में क्या होगा, एक टैप होगा जिसमें छेद बने होंगे, कागज की पट्टी होगी, कागज की पट्टी में छेद होंगे, एक जगह होगी जहां पर स्पेस बना होगा, फिर छेद बना दिया, फिर स्पेस बना दिया, फिर छेद बना दिया, तो ये आपका ये पंच टैप। तो इसके बारे में, पंच टैप में बाइनरी कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर बाइनरी कोडिंग में दो शब्दों को ही जानता है, वो दो शब्द कौन से हैं, जीरो और वन। अगर आप जीरो की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा कई फिल्में भी देखी होंगी, मैट्रिक्स वगैरह, उसमें देखा होगा आपने कि शुरुआत में जो एंडिंग आती थी जीरो 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 वन जीरो वन, ऐसे कुछ आते थे। तो कंप्यूटर से बाइनरी कोडिंग को ही समझता है, और बाइनरी कोडिंग क्या है आपका, जीरो और वन, बस दो ही लेटर वो समझता है, ना तो आपकी
उसको ABCD आती है, ना हिंदी आती है, ना जर्मन, कोई भाषा नहीं वो समझता, सिर्फ समझता है बाइनरी कोडिंग। और बाइनरी कोडिंग में सिर्फ दो ही डिजिट इस्तेमाल करता है या दो ही डिजिट को जानता है, या तो 0 या 1। अब 1 को 1110001, मतलब उसको 01 की फॉर्म समझ में आती है, जिसमें से 0 और 1 के अलग अलग कार हैं। 0 को पढ़ते हैं ऑफ सिस्टम और 1 आ जाता है आपका ऑन सिस्टम, ठीक है, ऑन सिस्टम और ऑफ सिस्टम। यदि हमें क्या करना है, इसको ऑफ है तो ऑफ में तो 0 बना है, तो यहां ऑफ में हम क्या करते हैं, पंच स्टेप में 0 बना देते हैं। 0 का मतलब क्या है, अगर यहां बनाना है तो हम इसमें छेद कर देंगे, छिद्र हो गया, ये होल हो गया। और अगर 0 में तो हमने यहां पर छिद्र कर दिया, अगर 1 को डिनोट करना है तो यहां पर क्या किया, 1 को लीजिए यहां पर इसको ब्लैंक कर दिया, होल और नो होल। तो आप समझ गए, 01 होल या नो होल, जैसे कई पंच स्टेप हम यहां पर बनाते जाते हैं, तो ये हमारे पंच स्टेप होते हैं। तो यही है, और इसमें क्या है, बाइनरी कोडिंग का इस्तेमाल कर किया जाता है, तो जिसमें आपके 0 और 1 होते हैं, तो 01 हम किस में रखते हैं, बिट में, BIT बिट। ये बिट क्या है, ये स्टोरेज सिस्टम है, बिट, जैसे आपने देखा होगा JB MB KB, ऐसी KB से भी छोटी इकाई होगी आपकी बिट, बिट या कुछ लोग बाइट कह देते हैं, बिट के द्वारा जानते हैं। किन्हीं चिन्हों, अक्षरों अथवा संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पंच टैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पंच टैप के बारे में, लेकिन इसके पहले, मतलब इसके बाद जो हमारी वीडियो आ रही है वो है आपकी बाइनरी कोडिंग की। क्या है बाइनरी कोडिंग, यदि हम 42 हैं, 42 समझ गए आप, 40 और 2 42, 42। अब हमें 42 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी कोडिंग में। तो कैसे बाइनरी कोडिंग में से जब करेंगे, तो 01 या 110 ऐसे बाइनरी कोडिंग की जाती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बाइनरी कोडिंग के फील्ड में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रहेगी आपकी कि इस 42 नंबर को, 42 को बाइनरी कोडिंग में कैसे बदलें, 01 में कैसे बदलना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मज़ेदार रहेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं या मज़ा नहीं आ रहा है तो आप दोबारा दिए कीजिए और उसमें मज़े खोजिए, क्योंकि एजुकेशन फील्ड ऐसा है, यदि आपका मन लगता है तो आपको अच्छा टॉपिक लगते हैं, और यदि आपके मन नहीं लगता है तो फिर वो नथिंग है। तो इसलिए क्या है कि इंटरेस्ट पैदा कीजिए, क्योंकि इंजीनियर्स हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए इंटरेस्ट पैदा कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 42 नंबर को बाइनरी कोडिंग में कैसे बदलते हैं। तो यदि आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक रहेगा बाइनरी कोडिंग, दशमलव संख्या को बाइनरी कोडिंग में कैसे बदला जाता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।